हेलो दोस्तों, मैं सतीन कुमार सिविल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ये हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा है। लेसन नंबर 4 का नाम मशीनरी है और ये लेक्चर नंबर 23 है। आज इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे निर्माण एवं प्रसार जोड़, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जॉइंट। फिर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मसाला, मोर्टार क्या होता है। फिर तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे मसाले के घटक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ मोर्टार। फिर है मसाले के गुण, प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। फिर चौथा पढ़ेंगे चिनाई मसाले के प्रकार, टाइप ऑफ मशीनरी मोर्टार। इतने टॉपिक दोस्तों लेक्चर नंबर 23 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले निर्माण एवं प्रसार जोड़, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। दोस्तों इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्माण एवं प्रसार जोड़, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो ईंट चिनाई पत्थर चिनाई, ईंट चिनाई हो या फिर पत्थर चिनाई हो, स्लैबों या प्रस्तंभों में ताप परिवर्तन का असर पड़ता है। अतः निर्माण एवं प्रसार जोड़ लगाने पड़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कोई भी हम संरचना बनाते हैं तो संरचना में ताप का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए जब कोई भी ताप जब ज़्यादा होगा तो उसमें प्रसार होगा, और यदि ताप कम होगा तो उसमें सिकुड़न होगा। तो इसके कारण ताप बढ़ने घटने से संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके उपाय के लिए क्या करना पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो जब हमारा ताप बढ़ेगा घटेगा तो संरचना हमारी टूट जाएगी, क्योंकि किसी को भी पहले बढ़ाओ घटाओ तो वो कमज़ोर हो जाती है और उस स्थान से टूट जाती है। तो इसको उपाय करने के लिए हम जोड़ लगाने पड़ते हैं, और जोड़ कैसे लगाते हैं ये जानेंगे दोस्तों। तो जोड़ दो प्रकार से लगाए जाते हैं, एक होता है निर्माण जोड़ कंस्ट्रक्शन जॉइंट, और दूसरा होता है प्रसार जोड़। कितने प्रकार के होते हैं, जो दो जोड़ होते हैं, एक होता है निर्माण जोड़ कंस्ट्रक्शन जॉइंट और दूसरा होता है प्रसार जोड़ एक्सपेंशन जॉइंट। तो निर्माण जोड़ क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। निर्माण जोड़, जब कोई भी निर्माण कार्य जैसे दीवार, छतें, प्रस्तंभों के कार्य एक दिन में समाप्त नहीं हो पाते हैं और दिन के अंत में कार्य को बंद करना पड़ता है, कार्य को अगले दिन पुनः शुरू करना पड़ता है। इस कारण पुराने एवं नए कार्यों को एक साथ बनाने के लिए जोड़ बनाना पड़ता है ताकि ये एक दूसरे से जुड़ जाएं। पुराने एवं नए जोड़ बनाने की क्रिया निर्माण जोड़ कहलाती है। दोस्तों निर्माण जोड़ कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। कोई भी हम संरचना काम करेंगे, चाहे हमें पुल बनाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे दीवार बनाना हो, चाहे जो कुछ बनाना हो, एक दिन में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संरचना बनानी पड़ती, छोटी छोटी संरचना बनाती है। जब बड़ी से बड़ी संरचना बनाना पड़ेगा तो हम एक दिन में जितना कार्य करते वो तो हो जाता है, फिर अगले होता है जो अगले दिन बनाना होता है दोस्तों। तो उसको बनाने के लिए हमें जो नया है और पुराना है उसको जोड़ना पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो पुराना बना रहता है वो तो सूख जाता है मसाला, और जो नया रहता है वो नहीं सूखा रहता है। तो उसको जोड़ने के लिए हमें एक जोड़ की आवश्यकता करती है, जिसे हम निर्माण जोड़ कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं। तो वही बात है, पुराने एवं नए जोड़ों को बनाने की क्रिया निर्माण जोड़ कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो सीधा सीधा समझिए व्यवहारिक भाषा में कि कंस्ट्रक्शन जोड़ क्या होता है। नए जोड़ को बनाने की, पुराने एवं नए जोड़ को जोड़ने की क्रिया को ही निर्माण जोड़ कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं। अब दोस्तों हम दूसरा जोड़ पढ़ेंगे प्रसार जोड़। प्रसार जोड़ किसे कहते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट, इसके बारे में जानते हैं। प्रसार जोड़ क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। जब ताप परिवर्तन होता है तब उसका प्रभाव ईंट चिनाई पत्थर चिनाई से निर्मित संरचनाओं पर भी पड़ता है। जब ताप अधिक होता है तब संरचना में फैलाव प्रसार होता है, और जब ताप कम होता है तब संरचना में सिकुड़न आता है। यदि तापमान के कारण उत्पन्न प्रतिबलों को उदासीन न किया जाए तो संरचना में दरारें पड़ने की संभावना आ जाती। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ स्थान छोड़ दिए जाते, इन्हें प्रसार जोड़ कहते हैं।
तो प्रसार जोड़ क्या होता है दोस्तों? प्रसार जोड़ ताप से रिलेटेड रखता है। ताप रिलेटेड मतलब यदि ताप बढ़ेगा तो संरचना हमारी बढ़ेगी और यदि ताप घटेगा तो हमारी संरचना का आकार सिकुड़न होगा। तो इस बढ़ने और घटने के कारण हमारी संरचना कमजोर हो जाती है। तो इससे हमें उपाय क्या करना चाहिए? उससे हमें बीच में जगह छोड़ देनी चाहिए। जब बढ़े तो बढ़ जाए, जब घटे तो घट जाए। तो इस प्रकार से हम जोड़ यानी एक्सपेंशन जॉइंट से करके संरचना को बचाया जा सकता है। तो जिस संरचना में दरारें पड़ने की संभावना आ जाती है, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, जॉइंट एक्सपेंशन जॉइंट नहीं लगाएंगे, तो संरचना में दरार आ जाएगी। दरार आ जाएगी तो हमारी संरचना बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें प्रसार जोड़ एक्सपेंशन जॉइंट लगाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको प्रसार जोड़ एवं निर्माण जोड़ समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अगला टॉपिक बात करते हैं, मोर्टार मसाला क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो चिनाई में प्रयुक्त ईंट या पत्थरों को एक दूसरे से परस्पर बांधने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसे मसाला कहते हैं। तो हम क्या जानें मसाला क्या होता है? तो मसाले में क्या होता है, हम ईंट का चिनाई करें या फिर पत्थर का चिनाई करें, एक दूसरे से बांधने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मोर्टार मसाला कहते हैं। तो मसाला क्या होते हैं आपको उम्मीद करते हैं समझ में। अब हम जानते हैं मसाला के घटक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ मोर्टार। मसाले को तैयार करने के लिए निम्न तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। मसाला जो होता है दोस्तों उसको तैयार करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है बंधक पदार्थ, दूसरा होता है मिलावट या फिर अपमर्शन अपमिश्रण एग्रीगेट। पहला बंधक पदार्थ, फिर दूसरा है मिलावट या अपमिश्रण, और तीसरा है पानी जल वाटर क्या होता है। अब इसका हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त जान देते हैं कि बंधक पदार्थ क्या होते हैं। बंधक पदार्थ के रूप में हमारा चूना सीमेंट प्रयोग किया जाता है। और मिश्रण के रूप में हमें मिलावा के रूप में बालू सुर्खी राख का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है वाटर, मसाला बनाने के लिए साफ अशुद्धियों से रहित पानी का प्रयोग करना चाहिए। जो पानी पीने योग्य है वह मसाले के लिए उपयुक्त होता है। हमें खारा नहीं यूज करना चाहिए पानी, जो पानी पीने में उपयोग करते हैं उसी का उपयोग हमें मसाला बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जाना मसाला क्या होता है। मसाला वह होता है जब ईंट का चिनाई करना हो या पत्थर की चिनाई, एक दूसरे को बांधने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मसाला कहते हैं। मसाला के घटक तीन घटक होते हैं। पहला होता है बंधक घटक, दूसरा होता है मिलावट या फिर अपमिश्रण, और तीसरा होता है पानी या फिर वाटर। बंधक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? बंधक पदार्थ में चूना आता है, सीमेंट आता है। महीन मिलावा में कौन आता है? महीन मिलावा में बालू सुर्खी राख आते हैं। और पानी क्या होता है? पानी आप जानते हैं जो पीने योग्य होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो ये था हमारा मसाला क्या होता है, मसाले के घटक क्या। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम जानेंगे मसाला के गुण, प्रिपरेशन ऑफ मोर्टार। मसाला के गुण कौन कौन से होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि ये सही मसाला है। तो इसे शीघ्र जमकर कठोर हो जाना चाहिए। जो हमारा सही मसाला होता है, उपयुक्त होता है उपयोग करने, तो वो हमें शीघ्र जमकर कठोर हो जाना चाहिए। इसे सुकार एवं सुघट्ट होना चाहिए। इसे मजबूत टिकाऊ एवं जलसा होना चाहिए। इसे ऐसा होना चाहिए कि इसमें प्रयुक्त अन्य पदार्थ इसके गुणों को प्रभावित न कर सके। इसकी सामर्थ्य संपीड़न तनन एवं अभिलाग में पर्याप्त होना चाहिए। तो ये था दोस्तों मसाले के गुण। मसाले के गुण कौन कौन से हैं? मसाले तो शीघ्र जमकर कठोर हो जाना चाहिए, सुकार एवं सुघट्ट होना चाहिए, मजबूत टिकाऊ एवं जलसा होना चाहिए, और अन्य पदार्थ इसके गुणों को प्रभावित न कर सके। इसकी संपीड़न सामर्थ्य संपीड़न तनन एवं अभिलाग में पर्याप्त होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों मसाले के गुण। अब अगला टॉपिक जानेंगे दोस्तों मसाले के प्रकार। अगला टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है दोस्तों। मसाले के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मसाला निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है मिट्टी गारा मसाला। मसाला कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो मसाला मिट्टी गारा मसाला, सीमेंट बालू मसाला, सीमेंट चूना बालू मसाला, और चूना सुर्खी मसाला, और पांचवा है चूना बालू सुर्खी मसाला।
मसाले के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। मसाले निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है मिट्टी गारा मसाला, सीमेंट बालू मसाला, सीमेंट चूना बालू मसाला, और चूना सुर्खी मसाला, और चूना बालू सुर्खी मसाला। तो अब इन मसालों का हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम जानेंगे मिट्टी गारा मसाला क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो मिट्टी गारा बनाने के लिए उपयुक्त, मिट्टी गारा बनाने के लिए उपयुक्त मृदा ईंटों वाली मिट्टी होती है, जिसमें उचित मात्रा में बालू एवं चिकनी मिट्टी मौजूद हो। इसे महीन कर 2-3 दिनों के लिए पानी के संपर्क में रखकर गुथाई कर प्रयोग करना चाहिए। गुथाई का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए। इसकी पकड़ बनाने के लिए भूसा मिला दिया जाना चाहिए। तो मिट्टी गारा मसाला क्या होता है, तो उपयुक्त मृदा हो और ईंटों वाली मिट्टी होती है, जिसमें उचित, जो हम ईंट बनाने में मिट्टी का प्रयोग करते हैं वही वाली मिट्टी का प्रयोग करके हम मिट्टी गारा मसाला का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसमें कुछ बालू हो, चिकनी मिट्टी मौजूद हो। इसे क्या करते हैं, 2-3 दिन तक गुथाई करके, उसे जब गुथाई करते हैं तो अच्छे तरह से गुज जाता है और गारा मसाला का उपयोग करने हो जाता है। इसकी और मजबूत बनाने के लिए हमें भूसा मिला देना चाहिए, जिससे और मजबूत हो जाते हैं। मगर दोस्तों अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है, कहीं कहीं गाँव में किया जाता है, नहीं तो अब लगभग इसका काम खत्म हो गया है। दोस्तों हम सबसे पहले जाने मिट्टी गारा मसाला, अब हम जानेंगे सीमेंट बालू मसाला क्या होता है। दोस्तों सीमेंट बालू मसाला क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये मसाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आजकल इसी का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह मसाला सीमेंट तथा बालू को विभिन्न अनुपातों, किसका किसका सबसे इंपॉर्टेंट है, सीमेंट और बालू, सीमेंट और बालू को विभिन्न अनुपातों, जैसे 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6 आदि में मिलाया जाता है। तो ये सीमेंट के प्रारंभिक जमाव काल से पहले इन्हें प्रयोग कर लेना चाहिए। ये जो मसाला बनता है इन्हें इनिशियल सेटिंग टाइम के पहले ही उपयोग कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर ये जमने लगता है। तो चिनाई के लिए, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चिनाई के लिए 1:5, 1:6, चिनाई के लिए 1:5 और 1:6 होता है, और प्लास्टर के लिए 1:6, लिंटर के लिए 1:3 एवं टीप के लिए 1:2 का मसाला प्रयोग करते हैं। अधिक सामर्थ्य वाली या ना रुकने वाली जगहों पर 1:3 या फिर 1:4 का मसाला प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों ये सीमेंट बालू मसाला सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसका जो अनुपात दिया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रखता है, आपको याद कर लेना चाहिए। चिनाई के लिए 1:5 या 1:6 का प्रयोग करते हैं, प्लास्टर के लिए 1:6 का, और लिंटर के लिए 1:3 का एवं टीप के लिए 1:2 का मसाला प्रयोग करते हैं। तो ये था दोस्तों सीमेंट बालू मसाला क्या होता है। अब हम जानेंगे सीमेंट चूना बालू मसाला। तो इस मसाले को गज मसाला भी कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इस मसाला को गज मसाला भी कहते हैं। इसे 1:6, कितने, 1:6 या फिर 1:9 के अनुपात में मिलाया जाता है। ये जो दोस्तों अनुपात दिया है यह इम्पॉर्टेंट रखता है, आपको यही लिखेंगे तो अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। सर्वप्रथम सीमेंट बालू को मिलाते हैं, पहले क्या होता है, पहले 1:6 अनुपात या फिर 1:9 अनुपात में मिलाया जाता है। सर्वप्रथम सीमेंट बालू को मिलाते हैं, उसके बाद इसमें चूने को मिलाया जाता है, इसका प्रयोग प्रायः नींव में किया जाता है। जो हम फाउंडेशन बनाते हैं इस मसाले का उपयोग वही किया जाता है। और फिर है अगला हमारा है चूना सुर्खी मसाला। अगला है चूना सुर्खी मसाला, लाइम सुर्खी मोर्टार। बुझे हुए चूने एवं सुर्खी को मिलाकर चक्की में पीस कर तैयार किया जाता है। इन्हें 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। और आखिरी वाला है चूना बालू सुर्खी मसाला। इसमें सीमेंट की कमी होने पर इस मसाले का प्रयोग किया जाता है। इन्हें 1:1, 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। चूना बालू सुर्खी मसाला लाइम सैंड सुर्खी मोर्टार होता है। तो इसका अनुपात कितना मिलाया जाता है, 1:1, 1:2 मिलाया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा मसाला टाइप ऑफ मोर्टार। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि यह आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को
लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।